इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सब कुछ जब जानने में आता है, जो कुछ भी नहीं जानना चाहता बच्चों को, जो कुछ भी नहीं जानना चाहता फिर भी उसको सब कुछ जानने में आता है, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। बच्चों को बाहर लेकर जाएं। और जो जिसको कुछ भी जानने में नहीं आता लेकिन सब कुछ जानना चाहता है उसे अज्ञ और अज्ञानी बोलते हैं। रिपीट करता हूं, जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी वह सब कुछ जानने में आता है उसे सर्वज्ञ बोलते, सर्वज्ञानी बोलते। और जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी सब कुछ जानना चाहता है उसे अज्ञ और अज्ञानी बोलते। जो कुछ भी नहीं करना चाहता लेकिन सब कुछ करने की शक्ति होती है उसे भगवान बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं कर सकता सब कुछ करना चाहता है उसे संसारी बोलते हैं। जो सब कुछ देख सकता है और कुछ भी देखना नहीं चाहता उसे ईश्वर कहते हैं। जो सब कुछ सुन सकता है और कुछ भी नहीं सुनता, जो सब कुछ बोल सकता है कुछ भी नहीं बोल सकता बोलता, जो सारी दुनिया को घूम सकता है लेकिन एक कदम भी नहीं उठाता, जो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकता है फिर भी वो सदा मुट्ठी खुली रखता है, सारे तीन लोग को कंपायमान कर सकता है
लेकिन एक परमाणु को भी हिलाने का भाव नहीं करता। सारी दुनिया को भस्म करने की शक्ति रखता है लेकिन एक तिनको को भी भस्म नहीं करता। मुट्ठी में बांध करके सब कुछ खत्म कर सकता है लेकिन जिसके हाथ सदा खुले रहते हैं उसे भगवान कहते हैं, पूज्य कहते हैं, आराध्य कहते हैं, परमेष्ठी कहते हैं। इससे विपरीत जो कुछ नहीं देखता लेकिन सब कुछ देखने का भाव करता है, जो कुछ नहीं सुनता सब कुछ सुनने का भाव करता है, जो कुछ भी नहीं बोल सकता बोलने का भाव करता है, जो एक कदम नहीं चलता वो सारी दुनिया को नापने का भाव करता है, जो एक दाना भी नहीं खा सकता सारी दुनिया को खाने का भाव करता है, उसे पापी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल संसारी प्राणी में है, असमर्थ कुछ करना चाह रहा है, समर्थ हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है। जो समर्थमान है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है और जो असमर्थमान है जिनके हाथ ही नहीं है वो सारी दुनिया को मुट्ठी में बांधने का प्रयास करता है। जो सारी दुनिया को मिटा सकता है लेकिन मिटाने का भाव छोड़ दिया है, जो एक मच्छर को भी नहीं मिटा सकता वो सारी दुनिया को मिटाने का भाव कर रहा। हमारे शास्त्रों में ये सबसे बड़ा पाप होता है। पाप वह बड़ा नहीं है जो तुम कर बैठते हो, पाप सबसे बड़ा वह है तुम कर नहीं पाते हो फिर भी करने का भाव करते हो। एक व्यक्ति हिंसा करेगा तो एक बार में एक व्यक्ति को मार पाएगा, अधिक से अधिक अभी तक कोई व्यक्ति दिन भर में जीवों को मार पाया तो 10,000 का उल्लेख है। सुबह से मारने बैठा तो शाम तक वो 10,000 को मार सका, जिसका नाम था गांगे तात्श्री भीष्मिताप। उनका रिकॉर्ड था कि युद्ध में उतरने के बाद 10,000 योद्धाओं को निपटा देता था तब सूर्य अस्त होता था। इससे ज्यादा का रिकॉर्ड कभी बना नहीं, वो समर्थ थे। एक रिकॉर्ड बनता है जो बिल्कुल असमर्थ है वो एक क्षण में सारी दुनिया को मिटाने का भाव कर सकता है। मिटाएगा एक को भी नहीं लेकिन सारी दुनिया को। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पापी उसे कहा गया। एक उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य यानी चावल के बराबर जिसकी आकृति होती है, और एक मत्स्य होता है 1,000 योजन का, 1,000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में रहता है। जो एक बार मुंह फैला दे तो लाखों करोड़ों अरबों मछलियां उसके पेट में चला जाए पता ही नहीं चले। वो एक मछली भी नहीं खाता और आंख में रहने वाला वो छोटा सा मत्स्य जो उसकी आंख में रहता है, आप लोग जिसे मिक्खू बोलते ना वो आंख में भिनभिनाता है, छोटा सा होता है, वो आंख में बैठे बैठे भाव करता है
ये मूर्ख देखो इसके मुंह में इतनी मछलियां आ रही जा रही, वो मुंह बाके सो रहा है, मत्स्य एक नहीं खा रहा है। मैं होता तो समुद्र की एक भी मछली को नहीं बचने देता और एक भी मछली नहीं खाता जिंदगी में, हिंसा करते ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती, वो तो इतना छोटा सा है। लेकिन इतना भाव करता है कि इसके स्थान पर मैं होता तो समुद्र की एक भी मछली उसी इतने परिणाम मात्र से वो सातवें नरक की आयु का बंद कर लेता है चावल के बराबर। तो कौन हुआ सबसे बड़ा पाप? यदि मगरमच्छ वो मत्स्य जो है खाएगा भी तो उतना ही तो खाएगा जितना पेट में बनेगी, उतना ही तो मारेगा जितना मुंह में, लेकिन इस छोटे से मत्स्य ने कितनी मार डाली, पूरे समुद्र की मछलियां एक परिणाम में मार डाली एक क्षण। तो दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? बहुत बड़ा मोटिवेशन। सबसे बड़ा जीव व्यक्ति पाप वह नहीं कर रहा है जो वो कर रहा है, वो उतना बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप वह है जो कर नहीं पा रहा है लेकिन करने का भाव कर रहा है। तुम कर भी नहीं पाओगे जिंदगी में, कर भी नहीं पाओगे फिर भी तुम करने का भाव करते। जैन दर्शन कहता है सबसे बड़ा पाप कौन सा है वो छोड़ो, जो ना तुम कर रहे हो ना कर पाए हो और ना जिंदगी में कर पाओ। यदि तुम्हारी जिंदगी में कभी क्रमबद्ध सुधरने का भाव हो तो ये भाव जरूर कर, क्योंकि व्यक्ति 24 घंटे एक ही भाव कर रहा है। विगत रविवार को हमने यही बात तुमसे कही थी और अभी 7 दिन तक यही बात चलती रही कि व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है वो सब कुछ करना चाहता है, मैं सब कुछ करूं और कर कुछ भी नहीं पाना, कुछ भी नहीं कर पाना, फिर भी करने का भाव आ रहा है, फिर भी करने के परिणाम आ रहे हैं। हम जिस समय जो सोचें वो होना चाहिए, भाव है शेयर करना। आज सब में यदि कोई तुम्हें वरदान देवे कि बताओ कौन कौन व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं जो कुछ सोचूं वो सब होना चाहिए, ये किसकी भावना नहीं है? मैं जो कुछ सोचूं वो सब होना चाहिए ये किसकी भावना नहीं है? कोई हाथ उठा रहा? कोई नहीं उठाएगा, मेरे से भी मत उठवाना क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपना, बस यहीं से हमारी जिंदगी का विनाश होता है। जब जब हमारे मन में ये भाव आवे महानुभाव हम और आप कोई भी हो कि मैं जो सोचूं वह हो जाए, बस समझ लेना आपका डाउनफॉल चालू है, आपका पतन चालू है, आपका विनाश चालू है, अब शगुन हो गया। निश्चित समझना कोई दुनिया की ताकत नहीं, आप ऊंचाई से गिरने वाले हैं, आप ऊंच से नीच बनने वाले हैं, आप जैन कुल के उच्च कुल में जन्मे हैं, आपका जन्म उस समय आयु का बंद हो जाए तो नीच कुल में जन्म होगा, नीच कुल में जन्म होगा,
निकृष्ट परिणाम है, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया कि मैं जो सोचूं वह हो जाना चाहिए। महानुभाव जीतो इस बात को, जीतो। 99% लोगों का पतन क्यों होता है? हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो नीच गोत्र में पड़े हैं, नीच योनि में पड़े हैं, नरकों में पड़े हैं, त्रियंचों में पड़े हैं, कुत्ते बिल्ली पर्याय में पड़े हैं, निम्न है, उनकी चर्चा नहीं कर रहे, वे तो फल भोग रहे हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो आज सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, जो सबसे आज पुण्य का उदय का फल भोग रहे हैं। विगत दिनों बताया था, इस समय जितने लोग यहाँ पंडाल में हैं, ये सारे संसार में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय इस समय आप लोगों का है। सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम्हें कितने टाइटल दूं? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, मैंने कहा था ये स्थान उन्होंने सुना कि तुम किस समय मरना चाहोगे, तुम मौत कहाँ चाहते हो, कब चाहते हो? मरना तो निश्चित है, मरना तो बस इतनी च्वाइस अपन कर सकते हैं कि साहब मरना तो है ही, लेकिन इस स्थान पर मरूं, इस समय मरूं, ये च्वाइस हमें दी गई। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि प्रभु मरना तो निश्चित है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कभी मरूं ही नहीं, क्योंकि ना आप ये आशीर्वाद दे सकेंगे, और मोह के कारण दे दोगे तो ये आशीर्वाद सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का ध्रुव सत्य है। बस मेरी इतनी छोटी सी मांग है कि मैं मेरा मरण हो, गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांत वार्धि सदघोषे, मंदिर हो, मुनि महाराज हो, और उस समय निकले जब मुनिराज का मैं प्रवचन सुन रहा हूं, उस समय मेरा मन। गजब की बात, ये बात जब मैंने पढ़ी, मैंने कही भगवान मरने के लिए तो सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च समय चुना जाता है, इससे गति कौन सा स्थान चुना? प्रवचन सभा, गुरु के मुख से वचन निकल रहे हो, और बस उस समय ये मौत का जो नियोगी नियम है हो जाए, हम मौत से नहीं डर रहे हैं, बस प्रवचन सभा में मिल जाए तो हमें स्वीकार है। इससे कितना बड़ा मोटिवेशन मिला कि इस समय जो गुरु के सामने बैठा है वो जगत का सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। जैन कुल में भारत में जन्म लेना ही पुण्य है, भारत से फिर जैन कुल में जन्म लेना पुण्य है, जैन कुल में आगरा में जन्म लेना पुण्य है, आगरा में भी चतुर्मास में जिंदा रहना पुण्य है। तो कोरोना में मर जाते तो क्या कर लेते, कोरोना में मर जाते तो क्या करते, तो चतुर्मास तक जिंदा रहना ये भी पुण्य है। आगरा के आसपास वालों का भी पुण्य है, दिल्ली वालों का पुण्य, पास में है ना, वो टूंडला है, यवतमाल है, क्या ना, फिरोजाबाद है ये, हाँ, तो ये सबके पुण्य है। मैं इस पुण्य को तुम्हारे नकार नहीं रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, महान पुण्य। और उसमें भी आज जिंदा रहना चतुर्मास में ये बहुत बड़ा पुण्य है, जिंदा रहने के बाद भी प्रवचन सुनने का भाव हो जाना ये बहुत बड़ा पुण्य है। कितने आगरा में जैनी हैं जो जिंदा रहने तक पुण्य है कि वो अभी जिंदा हैं, लेकिन आखिरी वाला पुण्य उनका नहीं है। आखिर जिंदा रहने तक तो वो है कि जब महाराज का चतुर्मास होगा हम आगरा में जिंदा रहेंगे, ये पुण्य तो है।
लेकिन चतुर्मास में मैं प्रवचन सभा में जा पाऊंगा, ये पुण्य कितनों का नहीं है और कितनों का है। इस पुण्य से वो वंचित है। कारण कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, प्रमाद हो सकता है, रुचि का अभाव हो सकता है, मेरा प्रवचन सुनने मन नहीं लगता, रुचि नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो सकता है। तुम कोई भी कारण कर लेना, सिद्धांत तो एक ही बात कहता है, तुम्हारा पुण्य ही नहीं है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम प्रवचन सभा में झुनका करके प्रवचन सुन लो। कर्म सिद्धांत तो एक ही बात कहता, जो नहीं आ पा रहा है वो किस कारण नहीं आ पा रहा है, ये तो सामाजिक व्यवस्था है। आज घर में काम आ गया था, आज बीमारी आ गई थी, एक्स वाई जेड बहुत सारे कारण, ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम प्रतिदिन मंदिर जा सको, तुम्हारा जब भी अभिषेक करने का मन नहीं हो तो ये मत समझना कि मैं अभिषेक करने का मेरा मन नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है तू इस लायक ही नहीं है कि तू अभिषेक कर सके, तेरा पुण्य ही नहीं है, इसलिए तेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं। एक बार एक बड़े व्यक्ति से कहा, बोले महाराज जी हमारे गांव में बहुत बड़े सेठ जी हैं, खूब पैसा है इनके पास, लेकिन बिल्कुल दान नहीं देते। दान के नाम पे तो महावीर जयंती के चंदा में भी भाग जाता है, और पैसा खूब है, आमदनी खूब है। मैंने कि भैया उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, ये हमारे धर्म का अतिशय है, धर्म का अतिशय, ये हमारे धर्म का चमत्कार है, ये हम देव साध गुरु का चमत्कार है, क्योंकि वो जैन है और वो दान दे देगा मंदिर में। मंदिर कहता है कैसे रोकूं, समर्थ है देने में, बस इसके परिणाम बिगाड़ दो, इस पापी का मन धन मेरे मंदिर में न लग जाए, ये भगवान का अतिशय है, उसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कभी भी हो तुम्हारा मन दान देने का ना हो, समझ लेना ये भगवान की बहुत बड़ी कूटनीति है। धर्म भी बहुत कूटनीतिक होता है, राजनीति नहीं, कूटनीति ही होती है धर्म के पास। इस पापी को कैसे दूर करें धर्म से, इसको कंजूस बना दो, इसके मन में कुछ ऐसी बात भर दो जिससे इसके दान देने के भाव ही ना हो, परिणाम ही ना हो, ये धर्म का अतिशय कहलाता है। तुम जब मंदिर आने का भाव नहीं करते हो, नहीं होता महाराज मेरे मंदिर आने का मन, नहीं होता मेरा मन कि मैं अभिषेक करूं, मैं तुम्हें दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। कर्म सिद्धांत कहता है कि धर्म का अतिशय है, धर्म कहता है, भगवान कहते हैं, पॉलिसी कहती है, इस पापी की नजर मेरे ऊपर न पड़ जाए, इसकी नजर इतनी बेकार है। अभभ को समोषण में रोक दिया जी, क्या फर्क पड़ता था भगवान का, अभभ दर्शन कर लेता तो, अभव्य दर्शन कर लेता तो क्या फर्क पड़ता है। समोसर तक पहुंच गया, 8 परकोटे पार कर गया, भगवान इतने अंदर थे जैसे कि अपने पंडाल के बाहर, थोड़े से 10 कदम बाद भगवान बैठे थे, दिख जाते, सारी सीमा बांध दी, नहीं, क्यों, एक दृष्टि अशुद्ध करती है, अशुद्धि एक छूने से होती है, अशुद्धि एक किसी के स्पर्श करने से होती है, एक अशुद्धि होती है नेत्र अशुद्धि, नेत्र से भी शोषण होता है, जिसे दृष्टि शोषण बोलते हैं, दृष्टि बुरी होती है, दृष्टि से नजर लगती है, दृष्टि से अशुद्ध होता है, दृष्टि से शोषण होता है। कानून में आया कि इसने दृष्टि शोषण किया है, इसने बुरी नजर से देखा है उसको,
तो मैंने इसको छुआ तो नहीं है, नहीं छुआ, लेकिन आपने दृष्टि से छुआ है। अशुद्धि होती है और दृष्टि अशुद्धि इतनी खतरनाक है महानुभाव कि त्रिलोकीनाथ भगवान को भी अशुद्ध कर दे, भगवान को अशुद्ध कर दे। अरे प्रभु, आपके लिए क्या सीमाएं हैं? क्या भव्य, क्या अभव्य, क्या सम्यक दृष्टि, क्या मिथ्या दृष्टि? आप तो महान हैं, आपको कौन अशुद्ध कर सकता है? क्यों इस पापी को रोका जा रहा है? क्यों अभव्य कूट बनाया गया? मैंने इस संबंध में बहुत भारी चिंतन किया। मैं तो प्रभु को मानता था कि ये सूर्य के समान है, हर व्यक्ति को प्रकाश है, ये महान वीतरागी हैं, कोई भी दर्शन करे, कुछ भी करे। लेकिन प्रकृति ने नियम बना दिया, एक पापी ऐसा है अभव जिसकी नजर भगवान पर नहीं पड़ना चाहिए, नजर नहीं पड़ना। अरे वो अंधा हो तो हो जाए, उसको दिखे या ना दिखे वो बात अलग है, भगवान के पास जाकर वो भगवान का तेज सहन नहीं कर पाता, वो अंधा हो जाएगा। ये मैंने आगम में नहीं पढ़ा, ये आप लोग कहते हैं, आगम में नहीं ऐसा कहते हैं कि अभव्य जाके मन वहां जाएगा, भगवान के तेज के सामने चकाचौंध हो जाएगी, वो अंधा हो जाएगा। ये हमने सिद्धांत में नहीं पढ़ा, आगम में नहीं पढ़ा। ये जरूर पढ़ा कि अभव्य की दृष्टि भगवान पर नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का दर्शन नहीं होते। क्यों? क्या भगवान अशुद्ध हो जाएंगे? हाँ, हो जाए, क्योंकि एक ऐसा पापी है जिसका कल्याण कभी होने ही नहीं। भगवान के दर्शन मिलने पर भी इसको सम्यक की उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए उसे रोक दिया, रोक दिया। एक आचार्य महाराज ने तो पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज ने एक आचार्य का संग्रह किया कि मिथ्या दृष्टि, गृहित मिथ्या दृष्टि जो है मानसतम के अंदर मत जाने देना, मिथ्या दृष्टि पापी का कदम समोषण की धूली साल से अंदर नहीं पड़ना चाहिए। मानसतम बनाया कि यहीं रोको पापियों को, यहीं रोको मानियों को, यहीं रोको अहंकारियों को, यहीं रोको मिथ्या दृष्टियों को, अंदर मत जाने दो, क्योंकि ये इतने पापी हैं कि समोषण बहुत पवित्र है, इनके आने से अपवित्र हो जाएगा। समोषण सभा बहुत पवित्र है, इनके आने से अपवित्र हो जाएगी। प्रभु त्रिलोकीनाथ पवित्र हैं, इनकी दृष्टि से अपवित्र हो जाएगी, रोक दो वहीं। कितनी बड़ी कूटनीति है। तुम समझ रहे हो कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, धर्म कहता है अरे पापी, मैं तुझे मंदिर में नहीं आने दूंगा, तेरे परिणाम बिगाड़ दूंगा, तुझे समस्या बता दूंगा, तुझे विपदा में डाल दूंगा, तुझे काम में उलझा दूंगा, तू नहीं आ पाएगा, तेरे अभिषेक का भाव हो गई नहीं, क्योंकि तेरे छूने से अभिषेक का लोटा अपवित्र हो जाएगा और तेरे जल ढालने से मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए पापियों को रोकने के कर्म सिद्धांत ने बहुत तरीके अपनाए, बहुत तरीके। मत सोचना कि ये तुम्हारा है कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं, नहीं, मंदिर तुझे रोक रहा है ये भाव का। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, फलाना व्यक्ति बहुत मुनि भक्त परिवार था, हमेशा चौका लगता था, आजकल नास्तिक हो गया है, कंजाइष्ट हो गया है और मुनियों को हार नहीं देता है, देता ही नहीं, मुनियों की तरफ जाता ही नहीं, देखता नहीं, कुछ भी नहीं करता। मैंने कि उसकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि उस पापी को कैसे रोकें। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, ये अपने आप हार नहीं दे पाएगा, ये अंजलि की कूटनीति है, कूटनीति, कर्म सिद्धांत बता रहा हूं। रोकने का तरीका है, क्योंकि रोक नहीं सकते, वो जैनी है,
बल्दियत से जैनी है और वो धोती दुपट्टा पहन के हाथ देने आएगा। रोकने का कोई कानून अधिकार नहीं, क्योंकि बल्दियत से कैसे रोकोगे? शुद्ध कपड़े पहन के आया, कैसे रोकोगे? रात्रि भोजन त्याग रहा है, कैसे रोकोगे? जो तुम कहो वो सब नियम ले रहा है, अब कैसे रोको भाई? रोकने का कोई बहाना? सारे नियम ले रहा है। और अंजलि कहती है, इस पापी के हाथ का आहार इस अंजलि में नहीं आना चाहिए। मात की तरीका है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो और इसके मन में भर दो कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, जिससे ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मूर्ख तू सोच रहा है कि मैंने आहार देना बंद कर दिया, कूटनीति है कि तुझ पापी को इस अंजलि ने बाहर कर दिया। ये कंजाइश पैदा किए हैं तो हम मुनियों की अंजलि ने पैदा किए हैं, इनको दूर करने का ये तरीका था। फॉर एग्जाम्पल, वैष्णव दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण एक बार विद्या सिद्ध करने बैठा, तो विद्या सिद्ध करने का उसका भाव था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सो। जैसे उसने ये भावना की, सारे 3 लोक में तहलका मच गया कि कुंभकर्ण 6 महीने जागेगा, सबको मार डालेगा। तो फिर देवताओं में मीटिंग हुई, उनका कोई तरीका नहीं है। उसने इतनी बड़ी साधना की है कि विद्या सिद्ध तो होगी, इतनी बड़ी तपस्या की है कि वो जो मांगेगा वो तो देना पड़ेगा उसको, तो कोई नहीं, देवता ने कहा कोई नहीं रोक सकता, उसका फल कौन रोकेगा? नहीं तुझे नहीं दे, नहीं मैंने तपस्या की। आप जैनियों की यहाँ कोई मजदूर शराबी मांसाहारी मजदूर मजदूरी करे, क्या तुम रोक सकते हो कि भाई मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तू शराब पिएगा? यदि आपने मजदूरी करा ली है तो आप ये पूछने के अधिकारी नहीं, आपको तो देना। आप ये नहीं कहते भैया ये जैन साहब का पैसा है शराब ने बिना, कुछ नहीं, आप मेरे मजदूरी दीजिए। मजदूरी के बाद वो क्या करेगा उस पर तुम्हारा कोई अधिकार। तो यही हुआ निर्णय कि किमिक्षिक वरदान देना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, तो क्या करें। अब निर्णय हुआ सरस्वती जाकर के इसके दिमाग में बैठ जाए और ये जब बोले कि 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं तो इसकी बुद्धि पलट दे और बोलते समय ये कह दे 6 महीने सोऊं 1 समय जागूं और तुरंत ब्रह्मा जी कहें तथास्तु, बुद्धि पलट दी ना। यही करता है ये कर्म, यही करता है कर्म, बुद्धि को पलट देता है। क्योंकि तुम योग्य हो, कर सकते हो, और तुम्हारी योग्यता नहीं है कि तुम मंदिर जा सको। बुद्धि ने कहा इसकी बुद्धि पलटो, इसके मंदिर जाने का भाव नहीं हो। मोहिनी कर्म यही करता है। दर्शन मोहिनी आते ही कहता है इसको खोटे के पास जावे तो जावे, चोखे के पास नहीं जावे। दर्शन मोहिनी ये 8 कर्म बहुत कूटनीति हैं, सबसे बड़ा कूटनीतिक है दर्शन मोहिनी कर्म। ये इतना उल्टा कर देता है, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा, अनंत चतुष्टय का धनी आत्मा, कल ही दोपहर के स्वाध्याय में आया कि शक्ति अपेक्षा सब अनंत शक्तिमान है, लेकिन कर्म कहता है इसने इतना गलत कार्य किया है, इसने सच्चे गुरुओं का अपमान किया है, इसने सच्चे देव का अपमान किया है, इसने जिनवाणी का अपमान किया है, अब इस पापी को यहां तक नहीं जाने देना। प्रकृति ने उसको दर्शन मोहिनी कर्म बांधा उस समय जिस समय तू केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को मिथ्यात्व के बंध की चर्चा नहीं की, उनका ये तो पहली क्लास की चर्चा है। क्या गजब जैनियों का उपदेश है, कितनी गजब की चीज है
कुगुरु कुदेव को शास्त्र नहीं कहे, हालांकि इसमें आ जाएंगे। केवली श्रुत संग धर्म देवा, सब सम्यक हैं, केवली सम्यक है, धर्म संघ साधु इनको देख करके इसने कभी उपहास किया था, नकारा था, निंदा की थी, आलोचना की थी, घृणा की थी, मैं नहीं मानता भगवान भगवान को, ऐसा परिणाम किया था। कर्म ने कहा ये, उसी समय प्रकृति ने कहा इसको गिरफ्त में ले लो, इसको गिरफ्त में ले लो, इसने अपमान किया है सत्य धर्म का, इसको गिरफ्त में ले लो। और तुरंत दर्शन मोहिनी की हथकड़ी डल गई। अब वो दर्शन नीति, अब मोहिनी क्या करेगा, कूटनीति देखना, प्रकृति की कूटनीति, सारे ब्रह्मांड की कूटनीति, कहेगा कि अब इसको मंदिर नहीं जाने देना, इसको कुगुरु के पास भेजो, कुदेवों के पास भेजो, कुशास्त्रों के पास जावे, सच्चे देव शायद गुरु की सीमा में भी नहीं जा पाए, ये कौन बुद्धि भटक रहा है, हर मिथ्या दृष्टि अपना कल्याण चाहता है कि नहीं, बोलो, हर व्यक्ति सुख चाहता है कि नहीं, संसार का हर व्यक्ति सत्य चाहता है कि असत्य, बोलो, सब दुनिया के व्यक्ति क्या चाहते हैं, मुझे सच्चा गुरु मिले, सच्चा शास्त्र मिले, सच्चे देव मिले, सत्य का मुझे ज्ञान हो, अच्छा हो, सब चाहते। लेकिन दर्शन मोहिनी कहेगा नहीं, दर्शन मोहिनी उसकी मति भ्रष्ट करेगा, खोटे देवों के पास जाएगा, चोखे के पास जाने का मन ही नहीं होगा, खोटे गुरुओं के पास जाएगा, छोटा गुरु उसके नगर में बैठा रहेगा, घर के बाजू में बैठा रहेगा, उसका भाव ही नहीं होगा, कौन कर रहा है। दर्शन मोहिनी कहता है इस पापी को सच्चे देव की सीमा में न चला जाए, ये पापी प्रवचन सभा में न चला जाए, ये पापी कहीं ऐसा ना हो कि माला फेर लेवे, ये पापी कहीं अभिषेक का लोटा ना ले लेवे, और उसके परिणाम ऐसे बिगाड़ते हैं कि जैन कुल में जन्म लेकर के भी वो सच्चे देव साध गुरु की परिधि में नहीं जा पाता, और खोटे देव साध गुरु पड़ा। तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती तो अतीत में हुई थी, अब तो कूटनीति के चक्कर में पड़ गया, और ये कर्म तुझे उल्टा ले जाएगा। कोई व्यक्ति गलत नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति अहितकारी कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार तुमने अच्छे कार्य की मजाक उड़ाई थी, अच्छे लोगों की मजाक उड़ाई थी, सज्जन लोगों के प्रति बुरे भाव किए थे, उनकी हंसी मजाक उड़ाई थी। कर्म कहता है तुरंत चारित मोहिनी कर्म बंधा, कहा इस पापी को अच्छे कार्य करने का मन नहीं होवे, जैन कुल में जन्मा है, इसको अभक्ष खाने का मन हो, भक्ष खाने का नहीं, दिन में खाने का नहीं, रात में खाने का मन हो, ये धर्म कर्म को कुछ नहीं माने, कोई क्रिया नहीं, कोई आचरण नहीं, कुल के विपरीत कार्य करेगा, शराब पिएगा, जुआ करेगा, कुछ नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी कूटनीति है। पूर्व भव में जो तुमने धर्म और धर्मात्मा की हंसी उड़ाई थी, कर्म ने तुम्हें गिरफ्त में लेकर कहा अब तेरे परिणाम ही नहीं होंगे। कर्म कहता है कहीं ये अच्छा न खा ले वे, इसकी मति भ्रष्ट करो, क्योंकि ये पापी है, ये व्रत न ले ले वे, ये नियम न ले ले वे, यदि व्रत नियम ले लिया तो इस पापी को मैं सजा कैसे दे पाऊंगा, इसलिए पापी को और अपराध कराओ तभी मैं इसको नरक भेज पाऊंगा। कर्म की कूटनीति, तुम पापी कैसे बनोगे, पाप का नशा तुम्हारे सिर कैसे चढ़ेगा। कर्म कहता है इसको नरक भेजना है, इससे पाप कराओ, अपराध कराओ, चाहे धन दौलत देके कराना पड़े, चाहे कैसे ही कराना पड़े, इसको पापी बनाओ और दुर्गति भेजो। सावधान महानुभाव, जब जब आपका परिणाम ऐसा विपरीत हो रहा हो, समझ लेना कोई गलती हुई है। मेरे पास धन है, दान देने का भाव नहीं हो रहा, सावधान।
मैं जैन हूं फिर भी अवक्षरी छूट रहा है, मैं जैन हूं फिर भी शराब की मन हो रहा है, मैं जैन हूं फिर भी गुटखा खाने का मन हो रहा है, मैं जैन हूं फिर भी रात में खाने का मन हो रहा है, मैं जैन हूं अभक्ष खाने का मन हो रहा है। सावधान, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, सावधान, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये धर्म की कूटनीति है कि तुम इतने पापी हो चुके हो कि भगवान अपने मंदिर के दरवाजे नहीं बुलाना चाहता। वो कहता पापी की नजर मेरे ऊपर ना पड़े, पापी के कदम मेरे मंदिर में ना पड़े, ये पापी के हाथ से मुनिराज की अंजलि में ग्रास न चला जाए, ये अभिशाप तुम्हें है। सावधान, सावधान, मैं उन लोगों को सावधान कर रहा हूं जो अच्छी बातों से दूर है, जो अच्छी बातें सोचते भी नहीं है, जो अच्छा देखते भी नहीं है, सब कुछ बुरा बुरा दिखता है, अच्छा सुनते भी नहीं सब बुरा सुनते हैं, अच्छा बोलते भी नहीं सब बुरा बोलते हैं, अच्छा खाते भी नहीं बुरा खाते हैं। सावधान, तुरंत तुरंत इस बीमारी से मुक्त हो, तुरंत इस अभिशाप से मुक्त हो, तुरंत जैसे पता चले कि मेरे मन में कुछ पाप करने का भाव आ रहा है, जैसे तुम्हें मन में भाव आए कि मुझे धर्म छोड़ने का भाव आ रहा है, तुरंत समझ जाना आपको बहुत डेंजर बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक, कैंसर से भी खतरनाक। जैसे कैंसर हो जाए तो व्यक्ति आधा तो वैसे ही मर जाता है नाम सुनते ही, ऐसे ही तुम मर जाना, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पसीना पसीना हो जाए। क्यों? मैं जैन होकर मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है, मैं जैन होकर अभक्ष खाने का मन हो रहा है, मैं जैन होकर गुटखा शराब करने का मन हो रहा है, मेरे जैन होने के बावजूद इतने बुरे भाव हो रहे हैं, मैं जैन होने के बाद मेरी आंख बुरा देख रही है, बुरा सुन रही है, मैं बुरा बोल रहा हूँ, बुरे स्थान पर जा रहा हूँ। महानुभाव, बहुत सावधान, तुरंत सारी यात्राएं स्थगित करो और डॉक्टर को ढूंढो, इस बीमारी का इलाज कौन डॉक्टर करेगा? उज्जवल नेमीचंद महाराज लब्धिसार में तुरंत ऐसे मिथ्या दृष्टि को तुरंत चेताया। दो लब्धियां जिसके अंदर हो गए, विशुद्धि और क्षयोपशम लब्धि, कि मेरे अच्छे कार्य का मन क्यों नहीं हो रहा, मेरे पास पैसा है दान देने का मन क्यों नहीं हो रहा, मैं दिन में खा सकता हूँ रात में क्यों खाता हूँ, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? तुरंत डॉक्टर को ढूंढो। बस ऐसे मरीजों के लिए ही गुरु की जरूरत होती है, इसका नाम है। बस अब गुरु की शुरुआत हो गई, डॉक्टर बीमार नहीं तो डॉक्टर की कोई कीमत नहीं। डॉक्टर की कीमत कब है? जब अपन को महसूस हो कि हम बीमार हैं तो डॉक्टर। जब तुम्हें ऐसा कभी महसूस हो, या तुम्हारे परिवार के प्रति महसूस हो, या किसी के प्रति महसूस हो कि ये व्यक्ति धर्म से दूर भाग रहा है, कर्म ने इसे धर्मात्मा बनने के पूरे साधन दिए, भारत देश दिया, जैन कुल किया, जैन जाति दी, सब कुछ दिया, आगरा में चतुर्मास दिया, ये सारे पुण्य किए, फिर भी इसके चतुर्मास में लाभ लेने का भाव नहीं आ रहा है, महानुभाव आप यदि उसके गार्जियन हो तो तुरंत दुनिया भर के काम छोड़कर अस्पताल में लाओ, MD जैन कॉलेज में हरि पर्वत। प्रमाद मत करो, फर्स्ट स्टेज पर ही ऑपरेशन हो जाने दो, फोर्थ में कैंसर पहुंच गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आयुबंध के बाद फिर हम कुछ भी करवाए, आयुबंध होने के पहले तुरंत इलाज करा दीजिए। ये क्यों हो रहा है महाराज? मैं इतना पुण्य लेके आया हूं
कि आगरा में जैन कुल में जन्म गया, इतना पुण्य लेके आया हूं कि आपका चतुर्मास हो रहा और मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, फिर भी मेरा लाभ लेने का भाव नहीं हो रहा है। महानुभाव अभिशप्त हो आप, बीमारी है आपको, और यहीं से होती है देशना लब्धि शुरू, यहीं से होता है उपचार चालू, फिर गुरु उसको काटेंगे, गुरु अपनी साधना से उस कूटनीति से निकालेंगे, गुरु सूत्र देंगे, वो कर्म थोड़ा ढीला पड़ेगा, वो अभिशाप भी, दुनिया का कोई भी अभिशाप हो, दिगंबर मुनि के सामने आते ही वह अभिशाप खंडित हो जाता है। मैंने खुद देखा है, अभिशाप मैंने खंडित होते देखे हैं, मैंने किसी अभिशाप को खंडित नहीं किया, लेकिन खंडित हुए हैं। दो संस्मरण तुम्हें सुनाता हूं। एक बजरंगढ़ का क्षेत्र है, 92-91 की लगभग बात है, सन आगे पीछे हो, वहाँ एक पानी की बोरिंग होना थी। तो आप लोग करते हैं कमेटी, डॉक्टर महावीर प्रसाद जी उस समय थे, महाराज जी हम बोरिंग शुरू कर रहे हैं। मैंने करो आपका काम। जैसे ही बोरिंग शुरू की, एक दादाजी थे, ब्राह्मण थे, वो मेरे से आ बोले मुझे महाराज से अर्जेंट में मिलना है। वो मिले मेरे ऊपर, छत पे बैठा था, बोले महाराज जी आपने बोरिंग के लिए आशीर्वाद तो नहीं दे दिया। मैंने कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले महाराज दे मत देना। लेकिन उन्होंने हमने कहा नमोस्तु तो किया, तो हाथ तो उठा दिया था। कही महाराज दे मत देना, आप दिगंबर साधु हैं, आप लोगों के वचन झूठे नहीं होते, आशीर्वाद झूठे नहीं होते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, पानी नहीं निकलेगा। मैंने कहा भाई क्या बात है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने क्या बात है, बोले महाराज यहाँ 400 साल पहले एक बाबा का अभिशाप है कि नगर के कुएं में एक पनिहारन से उसने पानी मांगा, तो उस पनिहारन ने पानी नहीं पिलाया, वो बाबा ने अभिशाप दे दिया, जा आज के बाद तेरे गांव में कहीं पानी नहीं आएगा, गांव नगर के बाहर कुओं से तुझे सिर पर भर के ले जाना पड़ेगा। तब से वहाँ वो पानी नहीं है, कोई 400 साल से बजरंगगढ़ के अंदर पानी नहीं था। सरकार ने 50 बोरिंग करा लिए, कितने ही गहरे करा लिए पानी नहीं निकला, कितने ही करा लिए पानी नहीं निकला। बोले महाराज जी मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आप आशीर्वाद मत देना, क्योंकि ये जुड़ा, अब ऐसी चीजों में मेरा तो तुम जानते हो मेरा थोड़ा मामला उल्टा। अब मैंने कहा अब आएगा मजा। पहले तो मैं कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, अब मैं शांतिनाथ भगवान के पास पहुंचा। हमारे पास तो एक ही शरण है। मैंने कि भगवान अभिशाप है कि नहीं ये तो मैं कुछ जानता नहीं, उन्होंने कहा है आप सर्वज्ञ सब जानते हैं, बस अब तो कुछ भी हो जाए महाराज भगवान मैं आशीर्वाद तो दूंगा। तो भगवान कहते हैं मन में क्यों उलझन में पड़ता है, झगड़े तो तुझे क्या लेना देना है, पानी निकले तो नहीं निकले तो क्या। मैंने कि नहीं भगवान हाथ में खुजली चल रही है आशीर्वाद तो दूंगा, और मैं कहने आपके पास इसलिए आया हूं कि फिर आगे की बात आपसे, क्योंकि मैं आपको भी फंसाऊंगा। यदि नहीं निकला तो मैं आपकी शांति धारा करता हूं, करवाता हूं, और ये जल ढालूंगा। नहीं निकला तो आप भी बदनाम, आपकी शांति धारा बदनाम, और आप बदनाम हो जाए तो हमारी बदनामी का कोई मान। महानुभाव भगवान की शांति धारा की, मैं खुद गया वहां और शांति धारा के गंधोदक की दो बूंद वहां डाली। पूरी रात भर से बोरिंग चली थी, धुआं के अलावा कुछ नहीं निकला। वो बर्मा होता ना घूमता रहता, धुआं धुआं निकल रहा था। जैसे ही गंधोदक की बूंद डाल करके मैं आया और उपदेश की सभा चल रही थी, स्वाध्याय चलता था, मुश्किल से आध घंटा भी पूरा नहीं हो, 20-25 मिनट के बाद
उसमें से एक इतने जोर की आवाज आई, इतने जोर की आवाज कि हम जहां बैठे थे वहां भी हिल गए। और वो आवाज आने के बाद जो पानी की पिचक छूटी, जो वो होता ना उसका मशीन, उससे भी ऊपर निकल गई, उससे भी ऊपर निकल। सबने कहा महाराज जी पानी आ गया। मैंने कहा फिर मैं तुरंत भगवान जी आपने लाज रख दी। देखो जिसकी कृपा हो उसका आभार मानने से कभी मेरे थोड़ी अतिशय था, वो तो शांतिनाथ भगवान का अतिशय था, शांति धारा की। तो मैंने प्रभु के पास जाके कहा, एक दूसरी स्थिति बनी हमारी, मैं वो बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे कोई अभिशाप है, अभी अपने कर्मों का अभिशाप, कुछ नहीं। इसलिए गुरु देशना लब्धि इसलिए लिखी है, दो लब्धियों में व्यक्ति को महसूस होता है, छह उपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। ये दो लब्धियों में कोई नहीं, स्वाभाविक घटना है। ये औदयिक भाव नहीं, पारनामिक परिणाम जैसे है, अपने आप भाव आता है, अपने आप परिणाम आता है कि मेरे अच्छा करने का भाव क्यों नहीं हो रहा है, अपने आप आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुदेवों के पास जा रहा हूँ। कभी तुम्हें ऐसा महसूस होने लग जाए कहीं धोख देते समय, अगरबत्ती लगाते समय, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गलत फंस रहा हूँ, मैं गलत गुरु के चक्कर में फंस रहा हूँ। कभी ऐसा महसूस हो जाए कि मुझे अंदर से आएगा आवाज, मैं गलत गुरु के चक्कर में पड़ रहा हूँ, मेरा अच्छा करने का मन ही नहीं हो रहा है, मेरा शराब पीने का मन क्यों हो रहा है, मैं जैन हूँ, मेरे माता पिता जैन हैं, फिर भी मैं गुरु मेरे जैन हैं, मेरा शराब पीने का मन हो रहा है, मेरा गुटखा खाने का मन हो रहा है, मैं रात्रि भोजन करने का मन हो रहा है, मेरा अभक्ष खाने का मन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये परिणाम तुम्हारा जो आए यही है छह उपशम लब्धि। छह उपशम लब्धि में सत्य असत्य का कोई ज्ञान नहीं, फीलिंग होती है, परिणाम होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और विशुद्धि लब्धि में क्या होता है, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं पीऊंगा शराब। लेकिन अभी चलेगा नहीं मार्ग, तुम्हें मालूम है कि लोग पिला देंगे और मैं पी लूंगा, लेकिन ज्ञान बोल रहा है नहीं गलत कर रहा हूं। तो तुरंत दौड़ लगाना कि तुम्हें बीमारी का पता चल गया, बीमार हो, और दर्शन मोहिनी की कूटनीति तुम्हारे पास है। दर्शन मोहिनी कहती है मैं तुझे मंदिर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें गुरु के पास नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों के पास भेजूंगी। ये दर्शन मोहिनी की कूटनीति है, बहुत कूटनीति। चेत जाओ, चिता रहा हूं तुम कुदेवों के पास नहीं जा रहा है। दर्शन मोहिनी कहती है ये सच्चे देव के साथ ना चला जाए, ये मंदिर ना चला जाए, ये रात्रि भोजन ना छोड़ देवे, ये शराब पीना ना छोड़ देवे। चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी तुझे उल्टी उल्टी संगति कराता है, बुरे लोगों की संगति कराएगा, शराबियों के अड्डे पे भेजेगा। ये दोनों कर्म बहुत कूटनीतिज्ञ हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ देते हैं, जिनके माँ बाप वृत्ति हैं, जिनके कुल में मुनि महाराज हुए हैं, यहाँ तक कि महानुभाव जो तीर्थंकर के कुल में जन्मा, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने सिर पे हाथ फेरा, ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी इतने कूटनीतिज्ञ हैं कि वो छोरे को भी धर्म से दूर कर देते हैं। इतनी कूटनीति है, मारीच को दूर कर दिया। आदिनाथ भगवान का पोता था, आदिनाथ भगवान की गोदी में खेला, उंगली पकड़ के चलाया, हाथ फेरा, साक्षात उनके साथ दीक्षाली समोषण में गया। दर्शन मुनि कहता है
ये तो मामला बिगड़ गया, इसको कौन रोकेगा समोषण में जाने से, कौन रोकेगा इसको मुनि बनने से, कौन रोकेगा ध्यान करने से। तीर्थंकर का पोता है ब्रजभ सम नाराज संगनधारी है, दर्शन मोहिनी ने अपनी कूटनीति चलाई और इससे का क्या कर रहा है यहाँ पर, इनके अंडर में रहेगा। तू खुद भगवान है, बस अहंकार पैदा किया, समोसर से बाहर दौड़ कर आया और दर्शन मोहिनी के चक्कर में ऐसा पड़ा ऐसा पड़ा, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दर्शन मोहिनी के चक्कर में पड़ा रहा। तीर्थंकर के पास पहुंच करके तो कभी तुम्हें ऐसी फीलिंग हो तो समझ लेना मेरे ऊपर दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की कूटनीति का अभिशाप, कूटनीति में फंस गया हूं। जैसे बने तैसे छुपके चोरी से कैसी बहाने से गुरु के सामने गुरु की खोज चालू कर देना, और गुरु मिल जाए तो कितना भी मन बेकार हो, इसलिए मैंने दो चार दिन पहले कहा था जबरदस्ती बेकार मन से हो बस सच्चे गुरु के चरणों में आके पड़ जाना, वह बिना मन के गाली देने का मन हो तो आ जाना, बुरे भाव भी होते हैं तो आ जाना। मैं जाऊंगा मंदिर, मैं जाऊंगा गुरु, तो तुम कोई नियम तो लोगे नहीं, बोले कोई नियम नहीं लूंगा लेकिन जाऊंगा प्रवचन सुनने जरूर जाऊंगा। मन कहेगा देख बाबा जी पास मत जा, वो नियम दिला देंगे, बोले मैं नियम लेता आऊंगे कोई नियम नहीं लूंगा। हाँ मन बहुत बदमाश है, ये तुम्हें कहा देख बेटा तू चक्कर में पड़ जाएगा, वो अभी जाओगे वो गुटखा छुड़ा देंगे, तुझे गुटखा बहुत अच्छा लगता है, तुझे शराब छुड़ा देंगे तुझे शराब अच्छी लगती, तेरा रात्रि भोजन त्याग देंगे। महाराजों का काम क्या है मालूम तुझे, वो धीरे धीरे वो बाबा जी बना देंगे। मन कहेगा, मन ये सब बातें कहता है, तुम कहना महाराज से मुझे डर पैदा कर रहा है मेरा मन, तो मन से के कमजोर मत समझना, और मन को रोकना नहीं, वो बदमाश है बहुत चंचल है। बोले किसका डर है, बोले महाराज नियम दिलाएंगे इसका डर है। हे मन ले, मैं नियम लेता हूं कि मैं महाराज से कोई नियम नहीं लूंगा, अब तो प्रवचन सुनने चला जाऊं। मन कहेगा कोई नियम नहीं लो, अरे महाराज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी रंचमात मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे तो बहुत महाराज आए और गए आगरा वाले। हाँ कह दो वो तो, अरे बहुत महाराज आए और गए, ये भी आएंगे और दिवाली पे चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोग चिकने घड़े हैं, चिकने नहीं उल्टे घड़े हैं। चिकने में तो थोड़ा बहुत पानी रुक जाता है लेकिन उल्टे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लो फिर। ये सुधा सागर हैं, बोले सुधा सागर तो छोड़ो, उनके गुरु भी आ जाए तो वो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगरा आए हैं पहले महाराज, कोई सुना है कि बहुत पहले आए हैं? हाँ आए हैं, एक तो हमें मालूम है 79 में, 79 में यहीं से आगे राजस्थान की तरफ गए थे किशनगढ़ पंचकणक में, उसका साक्षी तो मैं खुद ही हूँ। इसलिए मालूम है कि ग्वालियर से मुरैना आचार्य ने एक टाइम में बिहार किया था, एक टाइम में बिहार किया था, ग्वालियर से आहार करके निकले 9 किलोमीटर पर सामायिक हुई, और सामायिक से उठ के ही आचार्य ने सबसे कह दिया कि जो रास्ते में लघु शंका करेगा उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। सीधा ग्वालियर से मुरैना ठीक 5:45 बजे मुरैना आकर के सब खूब, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस मन से एक मंजूरी लेना है। उल्टे घड़े सुन रहे हो ना, चिकने घड़े सुन रहे हो ना, फूटे घड़े सुन रहे हो ना,
फूटा घड़ा सुने, चिकना घड़ा सुने, उल्टा सब सुने, बस एक मन को मन बना लो, मैं नियम नहीं लूंगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम शराब पीते हैं तो पीते रहेंगे, हम गुटखा खाते हैं खाते रहेंगे, हम जो करते हैं वो सब करते रहेंगे। मन कहेगा अच्छा, बोले हाँ प्रॉमिस है, बस एक मन पर अनुमति है, अब तो मैं प्रवचन सुनने चला जाऊं, तो मन कहेगा चले जाओ, अब क्या बिगड़ता है, तो भी आ जाना, कम हियर कम हियर कम हियर, आ जाना दौड़ के, जल्दी करो, देरी मत करो, मन बीच में पलट सकता है, मन ने हाँ कह दिया, आ जाना। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज अष्ट पहाड़ के अंदर गुरु के निकसी हुई वाणी को विरेचन संज्ञा दी है। वो चोर की कहानी सुनाई थी मैंने, जिसके बाप ने कह दिया था कि दिगंबर मुनि का कभी प्रवचन नहीं सुनना, और एक शब्द कान में पड़ा, बाद में वो मुनि बन गया। चिंता मत करना, तुम तो दौड़ जाओ, अनुमति मिल गई, मन ने कह दिया जाना है, विषय सुख विरेचना है। पूज्यवर आचार्य महाराज का अनुवाद है, विषय सुख विरेचना है, विषय सुखों के लिए विरेचन करने वाली है, दस्त लगा देगी, कुछ नहीं करना। एक बार अभिशप्त और कूटनीति में फंसा हुआ व्यक्ति दौड़ करके बस दिगंबर मुनि की आभा मंडल के पास आ जाओ, बाकी मैं निपट लूंगा, मैं निपट लूंगा उस अभिशाप देने वाली दर्शन मोहिनी से, मैं निपट लूंगा जिसने मेरे भक्त को कूटनीति ने फंसाया है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों के चक्कर में फंस गए हो तुम, जाल में फंस गए हो तुम, उस सारी चारित मोहिनी के जाल में, इसलिए तुम्हारा कोई नियम लेने का भाव नहीं आ रहा है। ये दोनों कर्मों की एक ऐसी दशा है, जैसे दिगंबर मुनि के सामने आता है इनके नशा ऐसे उतर जाता है जैसे शराबी का नशा पुलिस को देख के उतर जाता है। करो संगति करो, आएगा, थोड़ा देर लग सकती है, और वह स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप देख के दंग रह जाओगे। लड़ने आया था संसार का सबसे बड़ा आदमी, दर्शन मोहिनी के चक्कर में फंसा हुआ था, दर्शन मोहिनी की कूटनीति में फंसा हुआ था, कोई नहीं निकाल सकता था, इतना जबरदस्त अभिशाप था उसको, ऐसी कूटनीति में फंस गया दर्शन मोहिनी के, सौ धर्मेंद्र को पसीना आ गया। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक मौन बैठे, उपदेश नहीं हुआ, तहलका मच गया, यदि उपदेश नहीं देना है तो समोषण में क्यों बैठे हैं, और समोषण में बैठे हैं तो बोलते, कल्पना करो मैं वहां से उठकर यहां आके बैठ जाऊं, मौन होकर के। मनोज बाबू कहेंगे अब महाराज जी का प्रवचन शुरू हो रहा है, हम बोलेंगे नहीं, डेढ़ घंटे बैठे रहेंगे, डेढ़ घंटे बैठे रहेंगे, बोलो क्या हवा चल जाएगी, महाराज जी प्रवचन दीजिए। पूरे आगरा में चल जाएगी, लगता है महाराज को कोई ऊपरी बाधा हो गई है। प्रवचन नहीं देना था तो पंडाल में क्यों आए, और पंडाल में आए तो बोलते क्यों नहीं है। 66 दिन तक महानुभाव, तीन लोक हिल गया। प्रभु समोषण में बैठे, 12 सभाएं खचा खच भरी हुई है, उपदेश नहीं देना तो समोषण क्यों, क्योंकि ये मंडप, ये समोषण उपदेश के लिए बनाया जाता है, पंडाल उपदेश के लिए बनाया जाता है, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। सारे इंद्र स्वर्गों में तहलका मच गया, सौधर्मेंद्र का दिमाग कामने गया, देवराज कुछ करो क्या हो गया। तो देवराज कहता है कि मेरे रहते हुए कौन सी ऊपरी बाधा है जो भगवान को हो सकती है, अब सौधर्मेंद्र के सामने कौन सी ऊपरी बाधा, ये व्यंतर मंतर भूत भूत उनके सामने क्या बात। 66 में दिन
भगवान के अंतराय कर्म का उदय नहीं था, महानुभाव ध्यान रखना। जब भी कोई अच्छी वस्तु तुम्हें प्राप्त ना हो, अच्छी वस्तु का लाभ तुम्हें ना मिले, भगवान या मुनिराज का लाभ नहीं मिले, तो ये मत समझना कि सामने वाले के अंतराय, तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय था। 66 दिन तक उपदेश नहीं देना, ये महावीर स्वामी के अंतराय कर्म का उदय नहीं था, वो तो अंतराय कर्म नष्ट कर चुके थे। ये जनता के अंतराय कर्म का उदय था कि 66 दिन तक महाराज को नहीं बोलने दिया, क्योंकि तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुम्हारे इतने पाप कर्म का उदय था कि कर्म कहता है कि मैं तुझे भगवान की वाणी नहीं सुनने दूंगा। हो जान दो भगवान को केवल ज्ञान, बैठ जान दो समोषण में, क्या गजब। असंख्यात देवताओं का, पूरे आर्यावर्त के राजा महाराजाओं का सामूहिक अंतराय कर्म का उदय, लाभांतराय कर्म का उदय, सामूहिक एक पक्षी कर्म। हमारे अंतराय कर्म ने अनंत शक्ति संपन्न अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर महावीर को भी बोलने से मना कर दिया। कर्म की ताकत देखो, कर्म की ताकत देखो। महावीर स्वामी अनंत चतुष्टय लेके बैठे, अनंत वीर उनके पास है, कर्म कहता है भगवान बोलना मत, आप बोल नहीं सकते, इन पापियों ने ऐसा पाप किया है जो आपकी पवित्र वाणी इनके कानों में नहीं पढ़ने दूंगा। लाभांतराय कर्म कहता है इन पापी कानों में आपकी वाणी नहीं पढ़ने दूंगा मैं। तब 66 दिन के बाद पाप कर्म की अनुभाग शक्ति कम हुई, तब शौधर्म इंद्र ने अवध ज्ञान लगाया, ओहो इनमें तो कोई भी नहीं है ऐसा पुण्यात्मा, ऐसा तो कोई नहीं पुण्यात्मा जिसके कारण से भगवान बोले, ये सब तो पाप कर्म के उदय में बैठे हुए हैं, इन सब का तो लाभांतराय कर्म का उदय है। पूरा समय निकाल देंगे महावीर स्वामी 30 साल का, तो भी ये जनता प्रवचन नहीं सुन पाई। सौधर्म ने जान लिया, 30 वर्ष तक उपदेश दिया, 30 ग्रस्त के, 30 केवल ज्ञान के बाद के और 12 तपस्या के, इस प्रकार 72 वर्ष के। 30 साल तक सौधर्म ने जान लिया, इस सभा में कोई व्यक्ति नहीं है किसी के कान पवित्र नहीं, सबके कान पापी हैं, सबके पाप कर्म का उदय है, कुछ नहीं हो सकता। फिर इस दुनिया में कौन है जिसको भगवान की वाणी जिसके निमित्त से बुनेगी। जिसको देखा इंद्र घबरा गया, वो तो दर्शन मोहिनी के गर्भ में ग्रत है, वो तो स्वयं मिथ्यात्वी है और हजारों को मिथ्यात्वी बना रहा है, सर अनायतन का स्वामी है वो, तो संभव नहीं, संभव नहीं। देखना कैसी है जिनवाणी, कैसा है जिनेन देव का दर्शन। सौधर्म कहते क्या करूं, जो है वो तो महावीर का विरोधी है, दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, वो तो गिनते ही नहीं महावीर स्वामी को, वो तो यहां आ ही नहीं सकता। सौधर्म इंद्र ने अपनी युक्ति लगाई कि अहंकारी और मानी व्यक्ति जो है प्रशंसा का भूखा रहता है, एक वृद्ध अवस्था का रूप बना करके पहुंच गया, बहुत स्तुति की उसकी, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप समझ सबको, जैसे रावण का ज्ञान था ना ऐसे खूब प्रशंसा की। कौन है तू? बोले मैं एक वृद्ध महावीर स्वामी का भक्त हूँ। महावीर का नाम सुनते वो आग बोला, पर यहाँ क्यों आया है? बोले साहब मेरे प्रश्नों का जवाब भगवान महावीर स्वामी नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपको उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी मानता हूँ, इसलिए मैं आपके प्रश्नों का जवाब मांगने आया हूँ। अब तो फूल के और कुप्पा,
महावीर का भक्त होकर महावीर तेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाए, बोले साहब नहीं कर पाए, बोल क्या जिज्ञासा है। जैसे ही बोला षट द्रव्य नौ तत्व सात तत्व नौ पदार्थ का स्वरूप क्या है, तो उसके तो बाप ने नहीं सुने थे नाम, उसके तो किसी ने नहीं सुने थे, बोले ये क्या बला है। बड़ा आदमी जो अहंकारी होता ना वो तुरंत ये नहीं कह सकता साहब इस संबंध में मुझे ज्ञान, ऐसा कह दे तो क्या हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसे लोग लाल भुजक्कड़ होते, लाल भुजक्कड़ ये मना नहीं करेंगे। लाल भुजक्कड़ जानते क्या होता है, एक गांव में लाल भुजक्कड़ था, बहुत विद्वान था, बढ़िया, सारे लोग उसको ज्ञानी मानते थे, कोई भी समस्या जाएगी उसके पास पहुंच जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, गांव में से बड़े बड़े पैर थे निशान के, और वो हाथी का निकल गया रात में वहां से, उन लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था, तो उनका इतने बड़े बड़े पैर किसके हैं, थोड़े चलो लाल भुजक्कड़ से पूछते हैं। लाल भुजक्कड़ ने आके देखा तो उसके बाप ने नहीं देखा था कभी, और ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं काय के पैर हैं, तो ये लोग सब कहेंगे ये अज्ञानी है। तो ज्ञानी क्या कहता, अरे मूर्खो इतना नहीं जानते तुम। बोले साहब लाल भुजक्कड़ जी क्या बात है। बोले हिरण देखा, हिरण, बोले हाँ देखा है। चक्की देखी, चक्की का पार्ट, हाथी का पैर वैसा होता है। अरे मूर्खो पैर में चक्की बांध कर हिन्ना कूदो होए, लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई। रात में हिरण ने अपने पैर में चक्की का पार्ट बांधा है, वो कूद गया है। सबने कहा वाह 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 वाह, जैसे तालियां बजा दी ना, हो हो। अहंकारी व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे इसका जवाब मालूम। उसने भी कहा नहीं, कहा अरे नहीं नहीं मैं तेरे से क्या जवाब दूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। बड़े आदमी छोटों से संवाद नहीं करते हैं, मैं चल तेरे महावीर से ही बात करूंगा, उन्हीं को बताऊंगा कि क्या होते हैं ये। प्रश्न करने बैठ गया सभा में और श्रोताओं के जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाता, वहीं बताऊंगा क्यों सभा में बैठते हो जब पता नहीं है, तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें। स्वधर्म के तो बात बन गई। चले तो सही, उसको अपने महावीर पर विश्वास था, एक बार इस आभा मंडल में आ जाए, एक बार इस मानस्तम की छाया में आ जाए, बस सब काम हो जाएगा। लड़ने आया था, जैसे ही मानस्तम देखा, सुनना महानुभाव आपके लिए मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम्हारा मन जो कह रहा है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं सब विपरीत है, दौड़ो जैसे बने तैसे आओ। जैसे ही मानस्तम पे आया वो रुक गया। देवराज कहते साहब आप यहाँ क्यों रुके। बोलो रुको, मुझे यहीं देख करके ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं गलती में हूँ, मेरे अंदर कंपायमान हो रहा है, मेरी बुद्धि में कुछ झटका लग रहा है, मैं कुछ गलत हूँ, ये सही है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तेरे मानस्तम की मूर्ति देख करके मेरा सारा मान गलत हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूँ। देवराज कहते हैं साहब अभी तो ये झांकी है, अंदर आओ अभी क्या क्या बाकी है, आप अंदर तो पधारिए, ये तो मूर्ति है, ये तो मानस्तंभ है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ता रहा और जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी, तैसे ही मिथ्यात गलत होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, लड़ने आया था और लाड़ला बन गया, गणधर परमेष्टि बन गए, प्रथम गणधर इंद्रभूति। किसका प्रताप, कितनी बुरी हालत में आया था, कितने अहंकार में आया था, कितनी मुश्किल में आया था। ऐसे ही चिंता मत करो रे,
ये उदाहरण तुम्हारे लिए दे रहा हूं। तुम जैसे बने तैसे, यदि कभी तुम्हें फीलिंग हो कि मैं कुछ गलत रास्ते पे भटक गया हूं, मैं कुदेवों के चक्कर में फंस गया हूं, मैं कुगुरु के चक्कर में फंस गया हूं, मुझे कुशास्त्रों ने घेर लिया है, मुझे अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता, बुरे कार्यों में मन लग रहा है, मुझे अच्छी बातें नहीं रुचती हैं, मुझे बुरी बातें रुचती हैं, मुझे जैन की क्रियाएं पसंद नहीं आती हैं, हम सब उल्टा कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, जैसे मैंने दौड़ करके जहां मुनिराज बैठे हों उनकी सभा में जाके बैठ जाना भाई, बैठ जाना, कभी प्रैक्टिकल करना। अच्छे अच्छे पापी इस सभा से लौटने के बाद पुण्यात्मा बन के देखे हैं, प्रोफेशन बदल जाएगा। 96 की घटना है जयपुर की, प्रवचन एकाएक किसी दूसरे विषय पे चल रहा था और बीच में ही प्रवचन बदल गया। मैं स्तब्ध रह गया कि प्रवचन का विषय कैसे बदला, सामान्य कोई विषय चल रहा था, एकदम मोड़ ले लिया और एकदम ऐसा मुड़ा कि मैं भी आश्चर्यचकित, और जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही थी वो लाइन ही भूल गया, मैं ध्यान में नहीं आ रहा कि मैंने शुरुआत कहाँ थी। अक्सर कर प्रवचन को सेटिंग रहती है ना कि पहला वाक्य बोला समापन करना है, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं प्रवचन कहाँ शुरू किया था, आधा प्रवचन गायब हो गया मेमोरी में से और नया प्रवचन चालू हो गया। अब मैं स्तब्ध, बोलते बोलते मैंने 10 बार टेंशन किया कि जो प्रवचन मैंने दिया वो कहीं से आया ही नहीं। उन्होंने कि आज क्या बात, वो प्रवचन बदल गया, गर्भपात के ऊपर प्रवचन चला गया, एवर्सन के ऊपर अनायास प्रवचन खत्म होते ही एक दंपति रोते हुए आ गए। पूरी कहानी सुनो, बोले महाराज हमारा डॉक्टर से टाइम लिया था गर्भपात कराने का, बात इतनी हुई कि जो टाइम था डॉक्टर लेट आया तो हमने सोचा कि चलो बाजू में अस्पताल है, वो नारायण सर्कल है ना भट्टर, बाजू में था डॉक्टर उसका, तो बोले चलो जब तक प्रवचन सुन लेते हैं, जब तक प्रवचन सुन लेते हैं जब तक डॉक्टर आएगा, प्रवचन चल ही रहा। अब देखो पाप करने वाला गर्भपात कराने जाने वाले का मन प्रवचन सुनने का हो गया, उसके मन ने भी कहा कि चलो प्रवचन सुन लेते हैं, प्रवचन में आके पीछे बैठ गए। और जो गर्भ में जो बालक था उसके पुण्य ने हमारे दिमाग को बदल दिया, प्रवचन को बदल दिया, उसके पुण्य ने, और माँ बाप से बेटे की हत्या के का पाप उनके गले नहीं था, उनका भी पुण्य था, प्रवचन पूरा बदल दिया। और प्रवचन होकर के वो इस तरीके से रोते आए, बोले महाराज जी मैं इसकी हत्या कराने के लिए टाइम ले चुका हूँ, फीस दे चुका हूँ, टाइम लिया था। मैंने कि अब क्या, बोले आपके प्रवचन ने तो हमें कसाई होने से बचा दिया, मैं तो कसाई से गए बीता था, कसाई तो पशुओं को काटता है, मैं तो बेटे को कटवाने वाला था, पसाई तो ककड़े को काट कर खा लेता है, मैं तो बेटे को कटवा करके नाली में फेंकवा देता जब मैंने प्रवचन दिया। ऐसे शब्द निकले कि जो मैं छोड़ रहा कि ये शब्द क्यों निकल रहे हैं। महानुभाव, कसाई दो काम करता है, पशु को काटता है और काट करके बोलो पेट भरता है, वो कसाई है। लेकिन यहाँ मम्मी पापा दोनों डॉक्टर को सुपारी देते हैं, सुपारी यानी फीस, अपने बेटे की सुपारी दे करके उसके टुकड़े टुकड़े कराते हैं, और गर्भपात के टुकड़े कहाँ फेंक दिए जाते हैं, नाली में फेंक दिए जाते। क्या ये कसाई है कि कसाई से बहुत बड़ा है? अरे वो बूचड़खानों का कसाई है, उन बूचड़खाने खुलते हैं तब हम हंगामा खड़ा करते हैं,
बूचड़खाने खुलते जब हंगामा खड़ा करते, बूचड़खाना नहीं करना है। और ये घर घर के जो बूचड़खाने हैं इसको कौन बंद कराएगा? कितने जैनियों में घर घर के बूचड़खाने जिनमें पशु नहीं कटते हैं, कसाई नहीं काटते हैं, माँ बाप अपने बेटे को सुपारी दे करके कटवा करके नाली में फेंकवा देते हैं, इससे बड़ा पापी संसार में कौन होगा? बोलो, इससे बड़ा पापी कौन होगा? खुद माँ बाप, और किसको? शरणागत को, शरण में आए हुए बालक को। शरण में आए हुए बालक को तो हमारे भारत में ये व्यवहार नहीं किया जाता। शरण में आए हुए बालक, वो भी माँ बाप मानकर, तुम्हें सब कुछ मानकर आया, उसको भी तुम डॉक्टर को सुपारी दे करके डॉन बनवाते हो। तुमसे बड़ा कोई कसाई नहीं है। उस दिन का प्रवचन की लाइनें सुना रहा हूँ, शायद उस दिन की लाइनें आज कोई यहाँ बैठा हो इसलिए पलट गया हो, और या जो नहीं करने की मन बनाए हो उनके मन पलट गए हों, और जिन्होंने कराए हों उनके पश्चाताप में आ जाए। आ जाओ, बहुत बड़ा कसाई वो है। और अनवैलिड नहीं, वैलिड हो, तुम दंपति हो, बच्चा पैदा हो जाएगा तो कोई तुम्हारे लज्जा नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, कोई केट केस नहीं चलेगा, कोई मुंह काला नहीं होगा, आप दंपति है। सबसे बड़ा पापी वह है जो दंपति होकर के गर्भपात कराता है। चलो किसी ने अनैतिक संबंध हो गए तो अपने उसने काला मुंह बचाने के लिए गर्भपात करा दिया, उसके पास कारण था कि हम जिंदा नहीं रह पाते, मेरे से एक पाप हो गया। मैं उन पापियों की बात कर रहा हूँ जो दंपति हैं, वैलिड हैं, बच्चे को जन्म देने से उनका मुंह काला होने वाला नहीं है। वो दंपति जब बच्चे का गर्भपात कराते हैं, महानुभाव क्या करेगा? मांसाहारी कहाँ टिकता है? जिंदगी भर पशुओं को मार कर खाने वाला माफी के योग्य है, लेकिन अपने ही बेटे को दंपति माँ बाप मिलकर के मरवाते हैं, यह पापी यह कसाई कहीं भी माफी के योग्य नहीं है। सबसे बड़ा कसाई है। बोलो, कड़वा सत्य है क्या? इस कसाई पाने से, इस पाप से जैन समाज बची है? आज सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या यदि होती है तो जैनियों में होती है। कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा जैनियों में होती है। मेरे पास प्रमाण पत्र है, संसार की सारी जातियों का कन्याओं का बैलेंस किससे बिगड़ा है? हर जाति में सबसे ज्यादा, पूरा ऊपरा पेपर में आया था, किस जाति में कन्याएं कितनी कम हैं, पुरुष कितने ज्यादा है? 800 का 1000, 1000 पुरुषों पर 800 कन्याएं हैं। बोलो, कन्याएं कहां गई? 200 कहां गई? 200 कन्याएं। हर जाति का 50-100 का सबसे ज्यादा जैन जाति का है, क्योंकि जैन जाति के पास पैसा है और डॉक्टर पैसों में बिक जाते हैं। कानून बंधन हो 5000 नहीं 50000 लो। सबसे ज्यादा जैनियों में भ्रूण हत्या हो रही। 1000 पुरुषों पर जब जन्म लेते हैं तब 200 कन्याएं टुकड़े करके नाली में फेंक दी जाती हैं जैनियों के घर में। यह घर घर का बूचड़खाना। दो के अलावा किसी को पता नहीं है? सास ससुर को पता हो? मुझे पता नहीं। दो लोग मिलकर के 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उतने समय में 200 कन्याओं की हत्या हो चुकी है जैनियों के यहाँ। सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या होती है तो जैनियों के यहाँ होती है। और अहिंसा के पुजारी कौन है? बोलो, चींटी को मारेंगे नहीं, पानी छान के पियेंगे, ये करेंगे, और जब बिटिया की बात आई तो टुकड़े करके फेंकवा देते। महानुभाव, ये कभी तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी इस पर, आज जो बीच में प्रवचन आया है मुझे लगता है कोई ना कोई, क्या, क्योंकि आज विषय ही दूसरा चल रहा था अपना, एकाएक जयपुर कहाँ से आ गया 96 कोई ना कोई कारण जरूर है सभा में।
या टीवी पर बैठे हुए लाखों लोगों में कोई का पेट में बच्चा बोल रहा है, महाराज जब बोलोगे तब बोलोगे, तब तक तो मैं मर जाऊंगा, अभी बीच में बोलो। उस दिन भी यही हुआ कि बोले महाराज जी आपका संप्रोषण का मैटर नहीं चल रहा है, प्रसंग दूसरा चल रहा है, लेकिन आज बिना प्रसंग के बोलो मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं जीने के लिए आया हूं। उन दोनों दंपति बहुत रोए, मैंने सांत्वना दी और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ 6-7 महीने बाद। 45वें दिन के बाद उस बच्चे को लेकर डाल दिया, महाराज ये बच्चा मेरा नहीं, ये आपने जिंदा किया है, आप ये मैंने तो मरवा डाला था। आज वो बच्चा लगभग 96 से कितने साल का हो गया, ग्रस्त है, आता है, माँ बाप तो उसके सामने मस्तक ही नहीं उठा पाते और वो आकर के इतना उपकार मानता है। 96 से कितने साल हो गए भाई, आज वो बहुत अच्छी उम्र में है, परिवार है उसका, ग्रस्त है, शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। एक जिंदगी को बदलने के लिए, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जिस हालत में हो उस हालत में पंडाल तक आ जाओ, बदल सकता है। क्षयोपशम विशुद्धि लब्धि वाला दौड़ता है, मुझे बचाए कोई, मुझे कोई बचाए, मैं कैसे बचूं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत चक्कर में फंस गया हूं, मैं कुदेवों कुरुगुरु के चक्कर में फंस गया हूं। और वो जैसे बन के तैसे गुरु के पास पहुंचता है और गुरु महाराज का उपदेश ऐसा हो जाता है कि वो चक्कर से जो नियम लेके आया था, जो लड़ने आया था, लाडला बन जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे